दोस्तों मैं हूं अमित और JustEV न्यूज ऑफ द वीक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस हफ्ते काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है और सबसे पहले न्यूज निकल के आ रही है Ather की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपने प्रोडक्शन प्लान को टारगेट कर रहे हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एनुअली। वेल ये बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि दिस इज अ नंबर विच जनरली द पेट्रोल बेस्ड स्कूटर कंपनीज टारगेट, और यहाँ पर इस कंपनी को बैकअप करने के लिए है टाइगर ग्लोबल और हीरो मोटोकॉर्प, और इन्होंने 12 बिलियन रुपीज मतलब ऑलमोस्ट $160 मिलियन यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, और ये पिछले ऑलमोस्ट 7-8 साल से होते जा रहा है। एज ऑफ नाउ उनका टारगेट है कि इस साल 2022 के एंड तक वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को 4 लाख तक लेके जाएंगे, और उनके हिसाब से जो उनका सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सप्लाई चेन और कन्विंस करना सप्लायर्स को कि भाई उनकी कंपनी के अंदर उन्हें इन्वेस्ट करना है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसे कि मोटर्स, कंट्रोलर्स, वो सब यहाँ पर रेडीली अवेलेबल करना। वेल डेफिनेटली ये चैलेंजेस तो रहने वाले हैं एटलीस्ट 2025 तक, जब उसके बाद सारे कंपनीज स्विच हो जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस न्यूज़ को लेकर, और मैं बात कर रहा हूँ MG की तरफ से। MG मोटर लॉन्च करने वाला है उनका नया फेसलिफ्ट वर्जन जो है उनके इलेक्ट्रिक कार का, जो है MG ZS EV, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू कम इन द 3rd वीक ऑफ February 2022। एग्जैक्ट डेट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जो ये नया फेसलिफ्ट वर्जन है इसके अंदर एक बड़ा लार्जर बैटरी पैक मिलने वाला है जो बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ द रेंज व्हेन कंपेयर्ड विद द करंट ZS EV, और जिसका ऑलरेडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अब कंपनी के हिसाब से ये जो नया फेसलिफ्ट SUV MG ZS 2022 रहेगा उसके अंदर आ सकता है 50 किलोवाट आवर का या 51 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, और बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज एक्सपेक्टेड की जा सकती है ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स। अब अगर कंपनी प्रॉमिस कर रही है 500 तो एटलीस्ट 400 तो मिल ही जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से आने वाला है MG की मोटर का फुली इलेक्ट्रिक कार के अंदर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जिसका नाम है ADAS, और उसी के साथ साथ यहाँ पर फेसलिफ्ट वर्जन ऑलरेडी उन्होंने UK डिज़ाइन प्लेटफॉर्म की, कंपनी ग्लोबल UK डिज़ाइन प्लेटफॉर्म में अनाउंस किया था, और इस गाड़ी को ग्लोबली इन्होंने रेडी भी कर दिया है, और उसी के साथ साथ इंफोटेनमेंट में भी वो लेके आएंगे 10.1 इंच का डिजिटल कॉकपिट। अब सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी भाई प्राइसिंग क्या रहेगा, तो जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं हो सकता है इस गाड़ी की प्राइसिंग रहेगी करीब 25 लाख से लेकर 28 लाख के बीच में, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी हो सकती है इनके हालोल फैक्ट्री में जो है गुजरात में। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं फॉक्सकॉन की। अब अगर आपने फॉक्सकॉन के बारे में नहीं सुना है तो फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो एप्पल के आईफोन बनाती है चाइना में और इनफैक्ट इंडिया में भी, और यही कंपनी अब बनाने वाली है इलेक्ट्रिक कार्स फिस्कर के लिए। अब फिस्कर एक कंपनी है जिसको प्रमोट किया था हेनरिक फिस्कर ने, और रिनॉल्ड डिज़ाइनर जो मॉडल्स है BMW Z8, एस्टन मार्टिन DB9, फिस्कर इंक अपना एक एक्चुअली सेटअप कर रहा है हैदराबाद के अंदर, मतलब टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो हमारे हैदराबाद में सेटअप हो रहा है, जहाँ पर वो 300 इंजीनियर्स को वो हायर करेंगे आने वाले 2 साल के अंदर, और जो बड़ी कंपनी है फॉक्सकॉन उसके साथ वो मिलकर बनाने वाले हैं उनका ग्लोबल व्हीकल इंडिया के अंदर। अब बेसिकली कंपनी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर मल्टीपल प्लान्स किए हैं, और उन्होंने अपने जो पार्ट्स है उसे आउटसोर्स भी किया है, और बेसिकली टाइवानीज टेक जेंट जो फॉक्सकॉन है वो ऑलरेडी सर्व कर रहा है US, यूरोप, चाइनाज मार्केट के लिए अपार्ट फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर सबसे पहला जो मॉडल आएगा कंपनी की तरफ से वो रहेगा उनका एक SUV जिसका नाम रहेगा ओशियन, और इसका ग्लोबल लॉन्च होने वाला है नवंबर दिस, और ये कंप्लीटली CBU रहेगा, मतलब कंप्लीटली बिल्डअप यूनिट इंडिया में पहले इंपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद जैसे ही इंडिया में सेटअप शुरू हो जाएगा देन आने वाले समय में हम लोग इस गाड़ी को मेड इन इंडिया के अंतर्गत भी देख सकते हैं। अब बेसिकली इसके बाद इनका जो सेकंड मॉडल आने वाला है वो भी फॉक्सकॉन के साथ ही पार्टनरशिप में रहेगा, जिसका नाम होने वाला है पियर, और इसका शेड्यूल लॉन्च होने वाला है 2024 से 2025 के बीच में, सो आने वाले 3 साल के अंदर, और इन्होंने टारगेट किया है 1 मिलियन यूनिट्स ग्लोबली। बेसिकली इस प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं, और जो है उसकी एंट्री लेवल प्राइसिंग रह सकती है करीब 20 लाख रुपए, मतलब डायरेक्टली वो कंपीट करेंगे Hyundai, MG, टाटा मोटर्स के साथ। इसके दोस्तों हम बात करते हैं रेनॉल्ट, निसान, मित्सुबिशी के बारे में। अब ये तीनों कंपनीज मिलकर $23 बिलियन EVs के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं आने वाले 5 सालों के अंदर, और इन्होंने टोटल 35 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बारे में प्रॉमिस किया है। अब बेसिकली 2030 तक इनके बड़े बड़े प्लान्स, और 90% उनकी जो गाड़ियाँ रहेंगी वो सब यहाँ पर 5 कॉमन EV प्लेटफॉर्म्स के बेसिस के ऊपर रहेंगे जो ये तीनों कंपनीज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और ये जो अलायंस है फ्रेंच कार मेकर्स का, रेनॉल्ट, जापानीज मैन्युफैक्चरर निसान मोटर्स और मित्सुबिशी मोटर्स का, इन्होंने बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रैक्टिकल रोड मैप्स बनाए हैं, और बेसिकली यहाँ पर जब 3 कंपनियाँ साथ में मिलकर काम कर रही हैं डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेंगी। और ये जो जॉइंट वेंचर है वो है $23 बिलियन का, और इनका टारगेट वही है कि भाई 2030 तक हम लोग अलग अलग मल्टीपल मॉडल्स लेके आएंगे, और यहाँ पर टोटल 35 नए EV मॉडल्स का प्लान हो रहा है। तो आने वाले 8 साल के अंदर हम लोग देख सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल्स इन तीनों कंपनी की तरफ से। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये लोग फोकस कर रहे हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म की तरफ, जो है CMF AEV प्लेटफॉर्म, और इसके अंडर वो लोग डैसिया के नए मॉडल लेके आएंगे। और उसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म रहेगा KEI EV, जो है एक मिनी व्हीकल के लिए, जहां पर अल्ट्रा कॉम्पैक्ट EVs हमें देखने मिलेंगे, मतलब स्मॉल साइज व्हीकल्स। और जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वो है LCV EV, और ये प्लेटफॉर्म भी बेसिकली रेनॉल्ट कैंगू और निसान टाउन स्टार की तरफ फोकस करेगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में, और इन्होंने फिर से एक छोटा सा मतलब ट्वीट करके पंगा लिया है US प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। और ये क्लियरली इसीलिए क्योंकि US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो बिल्कुल टेस्ला को एक्नॉलेजी नहीं कर रहे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। टेस्ला CEO ने भी मतलब पहली बार तो पंगा नहीं छेड़ा है, वो हर बार कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं। और कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कि भाई जब US प्रेसिडेंट अपने अमेरिकन को फूल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनका रिमार्क यही था कि भाई US प्रेसिडेंट जब भी अपने ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई जनरल मोटर्स, फोर्ड ने बहुत ही बड़े नंबर्स पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, और क्लियरली वो टेस्ला को इग्नोर करते हैं। और बेसिकली जो बाइडेन अवॉइड करते जा रहे हैं टेस्ला के नाम को लेने में जब भी EVs की बात आती है। और डेफिनेटली आई थिंक इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, और क्योंकि इलॉन मस्क भी डायरेक्टली ओपनली बात करते हैं पब्लिकली, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की दिस वीक, और दैट इज़ अबाउट अगेन टेस्ला। और दोस्तों टेस्ला के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर टेस्ला ने रिसेंटली अपना रेवेन्यू रिपोर्ट शेयर किया था, जहाँ पर पता चला था कि भाई कंपनी के वैल्यूएशन तो 1.6 ट्रिलियन है, बट क्या आपको पता है कि एक टेस्ला बनाने में कितना खर्चा लगता है? वेल जनरली द एवरेज कॉस्ट एक टेस्ला कार बनाने के लिए $36,000 लगता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज कॉस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द टेस्ला मॉडल्स। और यहाँ पर US बेस्ड इलेक्ट्रिक कार जो है, ये सबसे सस्ता जो मॉडल है उनका मॉडल 3 रेयर व्हील ड्राइव का, उसकी प्राइसिंग है $44,990, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है वहाँ पर। उसके बाद मॉडल Y की बात करते हैं तो उसकी प्राइसिंग शुरू होती है $60,000 से, और जो रिफ्रेश्ड मॉडल S है और मॉडल X है उसकी प्राइसिंग शुरू होती है $95,000 एंड $105,000 रेस्पेक्टिवली। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी टेस्ला कार $50,000 से नीचे नहीं बिकती है, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन सारे कार्स की ऑन एन एवरेज इज अराउंड $36,000। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि भाई किस प्राइस के ऊपर ये लोग अपनी गाड़ी बनाते हैं और किस प्राइस के ऊपर ये लोग गाड़ी अपना बेचते हैं। अगेन टेस्ला ने ये सारे इन्फॉर्मेशन उनके 3rd क्वार्टर को जो रिपोर्ट आया था उसके अंदर उन्होंने रिवील किया था, और कंपनी का फोकस वही है कि भाई ओवरऑल हम अपना पर व्हीकल का जो कॉस्ट है उसे और कम करें, जिसके लिए वो नए बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। अगेन ये थे सबसे इंपॉर्टेंट EV न्यूज़ ऑफ दिस वीक। अगर आप हैदराबाद से हो और आप अगर एक EV ओन करते हो तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कनेक्ट कीजिए, हम लोग साथ में मिलके एक यूज़र रिव्यू ऑफ द व्हीकल विच यू आर ओनिंग वो वीडियो शूट करना चाहते हैं। ये थे EV न्यूज़ ऑफ द वीक। आपके लिए कौन सा एक्साइटिंग था वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और फ्रेश नए एपिसोड के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।